बिहार बीजेपी के अध्यक्ष नित्यानंद राय लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री बन गए हैं। नित्यानंद राय को राज्य मंत्री बनाया गया है। बता दें बिहार में बीजेपी ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की है। बिहार में फिलहाल पार्टी के अध्यक्ष की सीट खाली हो गई है। ऐसे में इस पद के लिए दूसरे नेता का चुनाव होना है। नए अध्यक्ष को लेकर बिहार में कई नामों पर मंथन चल रहा है। अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में अध्यक्ष पद की बागडोर ऐसे आदमी को दी जा सकती है जिसकी संगठन में मजबूत पकड़ हो। भाजपा नए नेतृत्व के जरिए बिहार में सामाजिक समीकरणों को भी साधने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस चुनाव में भाजपा को न केवल करीब 2.5% ज्यादा मत मिले बल्कि पार्टी का स्ट्राइक रेट भी 100% रहा। राजग में भाजपा ने अपने हिस्से की सभी 17 सीटों पर जीत हासिल की है। नित्यानंद राय ने अभी औपचारिक तौर पर पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिया है। लोकसभा चुनाव परिणाम के आंकड़ों पर गौर करें तो इस चुनाव में भाजपा को दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों का भी साथ मिला है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बार चुनाव जीतने और केंद्र में मंत्री नहीं बनने वाले पूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूडी, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, संजय जायसवाल जैसे दिग्गज सांसदों में से किसी एक को प्रदेश की बागडोर सौंपी जा सकती है। इस रेस में बिहार के प्रदेश मंत्री राजेंद्र सिंह भी शामिल हैं। राजेंद्र सिंह इससे पहले झारखंड में पार्टी के संगठन मंत्री का दायित्व संभाल चुके हैं। वहीं पिछली बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे राधामोहन सिंह एवं राज्य मंत्री रहे रामकृपाल यादव को भी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ऐसा संभव है कि नित्यानंद राय की जगह उन्हीं की जाति से आने वाले रामकृपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के नतीजे यह बताते हैं कि इस चुनाव में यादवों ने भी जमकर भाजपा को वोट किया है। ऐसे में बीजेपी रामकृपाल यादव को अध्यक्ष बनाकर यादवों को अपने पाले में करने की कोशिश कर सकती है। बहरहाल भाजपा अभी इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती क्योंकि 2020 का विधानसभा चुनाव सामने है और ऐसे में सारे समीकरणों और प्रदेश के सभी क्षेत्रीय नेताओं को विश्वास में लेकर ही भाजपा कोई फैसला लेगी। पार्टी नहीं चाहती कि किसी तरह का विवाद हो और पार्टी में किसी प्रकार की गुटबंदी की शुरुआत हो। पार्टी ये भी चाहती है कि अब गठबंधन के भरोसे न रहकर अपना जनाधार बढ़ाया जाए। वैसे भी पार्टी को समाज के सभी तबकों का समर्थन मिल रहा है, ऐसे में किसी क्षेत्रीय दल पर पार्टी क्यों निर्भर हो। हालांकि पार्टी का कोई भी नेता अभी इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने को बच रहा है।